अभी इस बरसात के मौसम में आपको बहुत ही ध्यान रखने की एक बात है कि अगर आपकी आंख अचानक से लाल होने लगे, एक आंख भी लाल हो सकती है, दोनों भी लाल हो सकती है, या आंख में दर्द हो, इरिटेशन हो, जलन हो, आंखों से पानी आना शुरू हो जाए, आंखों में सूजन आनी शुरू हो जाए, तो ये सब के सब आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के लक्षण होते हैं, जिसको हम आम भाषा में आंख आना भी कहते हैं। तो अगर आपको ये सारे लक्षण दिखते हैं आपकी आंख में, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि एक बार अगर किसी को बीमारी होती है तो पूरे परिवार को ये बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं इस बीमारी के लिए, तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस बीमारी को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। आई फ्लू एक बहुत ही कॉमन आँखों की बीमारी है और अक्सर इसके जो है इंसिडेंट्स बहुत तेज़ी से फैलते हैं बरसात के दिनों में, जैसा आजकल आप देख भी रहे होंगे कि आपको कुछ लोग काला चश्मा लगाए दिख रहे होंगे, कुछ लोग की आंखें आपको लाल दिख रही होंगी, स्वेलिंग दिख रही होगी आंखों में, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू के मरीज हैं। ये कॉमन होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैलती है। अब क्योंकि इस समय मानसून के सीज़न में, बरसात के सीज़न में आप देख रहे हैं कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस या वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, कि इससे आप किस तरीके से, किस प्रकार से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, प्रिवेंशंस की टिप्स हैं, अगर आप उनको अपनाएंगे तो ये बीमारी आप खुद से ही रोक लेंगे और आपको नुकसान नहीं होगा, आपका परिवार इससे बचा रहेगा। तो इसमें दो प्रकार के बचाव हैं, एक है मरीजों के लिए क्या प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस की जरूरत है, और दूसरा जिन लोगों को अभी बीमारी नहीं हुई है उनको क्या प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। तो जैसे ही आपको इस बीमारी का पहला लक्षण दिखता है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको अपने परिवार के सदस्यों को या आसपास के लोगों को इससे बचाना है। उसके लिए आप अपने हाथ बार बार धुलते रहें, क्योंकि होता क्या है कि आपके हाथ आँख पे जाते हैं, फेस पे जाते हैं, और फिर आप किसी दूसरी चीज़ को छूते हैं, तो उससे वो इन्फेक्शन आपके परिवार वालों को जा सकता है। तो अगर आप अपने हाथ बार बार धुलेंगे, अच्छे से हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, तो इस बीमारी के फैलने का खतरा कम हो जाएगा। दूसरे, आप सन ग्लासेस पहन के रखें, आप घर में हैं तब भी पहन के रखें, रात के समय पहन के रखें, सोते समय उतार लें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका बार बार जैसे आँख की तरफ हाथ जाता है, तो उससे आप बचे रहेंगे और आपके हाथ को जो है इन्फेक्शन लगने का खतरा कम हो जाएगा, और बाकी आप चीज़ों को अगर टच करेंगे तो ये स्प्रेड होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आँखों को बिल्कुल ना रगड़ें, आँखों को टच ना करें। अगर आप बार बार आँखों को रगड़ेंगे या टच करेंगे, तो उससे इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ेगा, जिससे बीमारी और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। इसके अलावा आपका जो टॉवल है, साबुन है, शैम्पू है, वो आप किसी दूसरे फैमिली मेम्बर को इस्तेमाल ना करने दें, और आपका जो आई ड्रॉप है वो आप खुद से इस्तेमाल करें, उसको भी किसी दूसरे को इस्तेमाल ना करने दें, क्योंकि इससे भी दूसरे को बीमारी स्प्रेड होने का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें जब तक आपकी बीमारी ठीक ना हो जाए। स्विमिंग पूल में, खासतौर से कॉमन स्विमिंग पूल्स में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ऐसे सीजन में आई फ्लू लगने का काफ़ी खतरा रहता है। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या हो सकता है। देखिए, आप खुद से बहुत सारी ड्रॉप डालना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप से ड्रॉप ना डालें, और एक बात का और ध्यान रखें कि ऐसी ड्रॉप्स बिल्कुल ना डालें जिनके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। आपको नहीं पता होता, वो बहुत नुकसान कर देते हैं। अगर आप कंजक्टिवाइटिस की आंखों में ऐसा ड्रॉप डाल देते हैं जिनके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, हाँ, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक प्रिपरेशंस आती हैं जिनके अंदर सिर्फ एक एंटीबायोटिक होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।